आज बनाएंगे एकदम ही नए और यूनिक तरीके का करेला फ्राई, जो शायद आपने कभी भी नहीं ट्राई करा होगा। अब आप कहेंगे पानी में कैसे केला फ्राई बन सकता है, तो अभी आपको धीरे धीरे आगे इस वीडियो में पता चलेगा कि ये नए करेले की रेसिपी एकदम ऑथेंटिक, एकदम नई तरीके की, जो शायद कभी ना देखी है, वो आज बनके तैयार होने वाली है। इसके लिए लगभग आप 5-7 करेले ले लीजिए, जितनी भी क्वांटिटी आप घर में जितने भी लोग हैं उस हिसाब से ले लीजिए, और करेलों को बीच में से काट लीजिए, आगे पीछे से थोड़ा सा काटिए, और झटपट फटाफट 5-7 जितने भी करेले आपको चाहिए सबके सब काट लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अगले स्टेप में हमें इनको बॉयल करना होगा। अब सवाल फिर से भाई, बॉयल लेकिन करेला फ्राई कैसे बन रहा है? तो चलिए आगे बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर करेला कहीं से भी गंदा है या फिर बीज काला है तो उसे ज़रूर निकाल दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से, ये सारे करेले कट चुके हैं और हमने एक पैन ले लिया है जहाँ पर हम अपने करेलों को उबालने वाले हैं। उबालने के लिए सबसे पहले हमने डाला है कुछ पानी। पानी के साथ हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा नमक, साथ ही में थोड़ा सा ऑयल, और अब अपने सारे करेलास को इसमें डाल देंगे जो भी अभी हमने काट के रखे थे, लगभग 3-4 मिनट अच्छे से बॉयल होने को। इससे दोस्तों हमें एक फ़ायदा होगा कि जो भी करेले अभी हम बना के तैयार करने वाले हैं इनकी कड़वाहट 50-60% निकल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एक पैन में थोड़ा सा पानी ले लीजिए और खड़े मसाले जैसे कि साबुत लाल मिर्च, धनिया साबुत, थोड़े से काजू और हल्की सी अभी काली मिर्च भी इसमें ऐड करेंगे, इसका भी बॉयल दिलाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हमारे करेले तो बॉयल हो ही रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने खड़े मसालों को भी यहीं रख के बॉयल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसमें थोड़ी सी एक अम्बी ज़रूर ऐड कर लेते हैं। अम्बी खट्टा मीठा फ्लेवर जो देने वाली है इस रेसिपी में, वो आप हमेशा याद रखने वाले हैं। जब ये तैयार हो जाएगी आप कहेंगे ये तो भाई वाह क्या स्वाद आ गया। तो सारी की सारी हमने थोड़ी सी अम्बी डाल के जितनी दिखाया था टुकड़ा सारी ऐड कर ली है और इसको अब बॉयल होने रख देंगे। हमने साबुत लाल मिर्ची, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, साबुत लाल मिर्ची ली है, थोड़े से हमने काजू लिए हैं, सूखा धनिया लिया है, धनिया पाउडर जिससे बनता है, और वो वहाँ पे बॉयल हो रहा है थोड़ी सी कैरी के साथ जिसको हम आमी भी कहते हैं। इस तरफ हमारे बॉयल हो रहे हैं करेले और थोड़ी सी हमने खड़े मसाले के रूप में काली मिर्ची भी डाली है बॉयल होने, और सारा का सारा मिश्रण बॉयल हो चुका है। अब इसको हम मिक्सी में पीसेंगे, लेकिन पीसने से पहले इसमें कुछ चीज़ें और जाने वाली हैं, जो है हमारे साबुत 2 प्याज और लगभग 5-7 लहसुन की कलियाँ, जितनी आपको पसंद हो उस हिसाब से घटा बढ़ा लें। इसका हम पेस्ट बना रहे हैं तड़के के लिए। थोड़ा सा ऊपर से जीरा ऐड करेंगे, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और साथ ही में थोड़ा सा हरा धनिया। इसका जो खुशबूदार पेस्ट तैयार होने वाला है दोस्तों, हल्का सा पानी डाल के, वो आप याद रखोगे, दिनों दिन ऐसी सब्जी में असर आने वाला है। तो चलिए, इसका पेस्ट तो बन के तैयार हो गया है, जिसको हम आगे अब तड़के में इस्तेमाल करने वाले हैं। दिखा देता हूँ आपको कैसा पेस्ट तैयार हुआ है। ये पेस्ट इस तरीके का तैयार है, आगे हम तड़के में यूज़ करने वाले हैं। दूसरी तरफ हमारे करेले अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, गैस को बंद कर दिया है, 3-4 मिनट हो गए थे, खड़े मसाले जो थे पहले बॉयल हो गए थे, करेले को थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया। अब दोस्तों ये थोड़े से गर्म है, इसलिए हम इसके ऊपर थोड़ी सी ठंडा पानी या बर्फ़ का पानी डालेंगे, और इनके बीज में अगर कुछ बीज हैं तो बीजों को भी निकाल लेते हैं। बीजों को निकालने के बाद अच्छे से आपको निचोड़ लेना है ताकि इनके अंदर पानी ना रह जाए, क्योंकि आज बन रहा है करेला फ्राई, और अगर इसमें पानी रह गया तो फ्राई होते वक्त ये ऊपर पानी छलकेगा, तेल जाते ही, तेल में करेले जाते ही उछलेगा पानी। तो चलिए, सबके सब बीज को निकाल लिया, अब इसको मैंने जैसे कि बताया था निचोड़ लेना है। तो चलिए फटाफट से सारे के सारे करेलों को अच्छे से पानी से निचोड़ लीजिए, और उसके बाद सूखा होने के लिए 2-4-5 मिनट पंखे में रख दीजिएगा या फिर किसी कपड़े पे रख दीजिएगा। अब ये अच्छे से आप करेले निचोड़ दीजिए। तो हमारे सारे के सारे दोस्तों करेले निचोड़ चुके हैं, और मैंने इसको लगभग थोड़ी देर के लिए अब पंखे में रख दिया था। अब दूसरी तरफ हमें कढ़ाई में थोड़ा तेल डालेंगे, क्योंकि ये बन रहा है करेला फ्राई, और अब समय आ चुका है सरसों के तेल में करेले का फ्राई होने का। बहुत ही हटके बन रही है रेसिपी। करेलों को आप चाहें तो हाफ ऑफ भी कर लें अगर आपको बड़ा बड़ा साइज़ लग रहा हो तो, इससे और भी बेहतर अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। अब ये सारे करेले आप फ्राई कर लीजिए जो हम थोड़ा सा सुखा चुके थे 5-7 मिनट पंखे में रख के। ये लगभग 1-2 मिनट में ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे अगर तेल जो है अच्छा गर्म था, नहीं तो 3-4 मिनट भी लग जाएंगे। साथ ही में हम थोड़े से आलू भी इसमें फ्राई करने वाले हैं। तो सबसे पहले सारे करेला इसको निकाल लेते हैं बाहर। ये दोस्तों है ना एकदम यूनिक और अलग तरीके की ये रेसिपी, और सच बता रहा हूँ जो अभी हमने तड़के का पेस्ट बना के तैयार किया है ना, वो इतना मज़ेदार लगने वाला है आपको। उसमें मुद्दे की बात क्या क्या थी, मेन है उसमें दोस्तों प्याज, लहसुन, उबला हुआ लाल मिर्ची,
काली मिर्ची, धनिया साबत, थोड़े से काजू। तो यहीं दूसरी तरफ दोस्तों अब हमारे आलू भी बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं हमने। करेला तो सारे निकाल लिए हैं, आलू भी झटपट 2 से 3 मिनट में अच्छे से रेड हो जाएंगे और फ्राई हो जाएंगे। चलिए ये भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इनका भी समय आ गया है बाहर निकालने का। और जो सरसों के तेल में सब्जी का स्वाद आता है वो बहुत ही बेहतर और ऑथेंटिक है। मैं तो हमेशा ही सरसों के तेल में इसे प्रेफर करता हूँ। चलिए दोस्तों सारे के सारे हमारे जो ये आलू है निकल गए। अब एक नई चीज़ हम और थोड़ी सी फ्राई करने वाले हैं, वो है इसमें अनियन। ऑनियन हमने पतला पतला लंबा लंबा काट के रखा था, उसे भी फ्राई करेंगे और उसे भी इस रेसिपी में अभी हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। ये ऑनियन फ्राई हो गए, करेले फ्राई हो गए, आलू फ्राई हो गए। तो चलिए फटाफट से इस ऑनियन को निकाल लेते हैं और सारी फ्राई करी हुई चीज़ें एक साथ रख लेते हैं क्योंकि ये सब्जी में बाद में एक साथ जानी ही है। सारे के सारे प्याज भी फ्राई बाहर आ गए। अब लगाते हैं दोस्तों इसका तड़का और उसके लिए वही पैन वापस से ले लेते हैं जिसमें बॉयल किया था, साफ़ करा हुआ पैन है। थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए ऑयल, ये सरसों का हो या कोई भी चल जाएगा, और सरसों का हो तो बेहतर है। थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग, और अब डालेंगे यही पेस्ट जो हमने पीस के तैयार करा था जिसमें प्याज है, काजू है, मिर्ची है, लाल मिर्ची साबुत बॉयल की हुई, धनिया है, काली मिर्च है, और सारी चीज़ें आपने देखी ही थी कितना ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है इस वक्त किचन में। मैं कह रहा हूँ पूरे घर में इस वक्त इस तड़के ने इसकी खुशबू ले ली है। बहुत ही बढ़िया से तैयार हो चुका है ये, अच्छे से भून लिया गया है 3 से 4 मिनट। अब इसमें साबुत मैं टमाटर डालूंगा, कुछ स्लाइस किया हुआ, एक ही टमाटर एकदम देसी था बड़ा। इससे अच्छी खटास आएगी सब्जी में, एक नयापन आएगा सब्जी में। अगर इसका देसी टमाटर ना होता तो खटास थोड़ी कम होती। हल्का सा पॉइंट पानी डाल के इसको अच्छे से घुमाते हैं और फिर इसको ढक के अच्छे से पकाएंगे ताकि ये सारी चीज़ें पक जाएं। लेकिन उससे पहले आप अपने स्पाइसेस को ऐड कर सकते हैं दोस्तों। स्पाइसेस में सबसे पहले लाल मिर्च, देगी मिर्च कलर के लिए, थोड़ी सी हल्दी, साथ ही में नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा कम था दोबारा रिपीट करते हैं, साथ ही में थोड़ा सा धनिया पाउडर अगर आप चाह रहे हो, थोड़ा सा गरम मसाला, और ये चाट मसाला भी आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से घुमा लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं और अब इसे पकने के लिए ढक के छोड़ देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम से लो आंच पे। ये लीजिए, अब ये बहुत ही बढ़िया मिश्रण तड़का इतना अच्छा खुशबूदार तैयार हो चुका है। मज़ा आ जाएगा दोस्तों अभी जब इसमें फ्राई करी हुई चीज़ें जाने वाली हैं, वो आपको दीवाना बना देगी कि करेले तो यार दोस्तों कड़वा लगा करता था, ये क्या एकदम नई रेस्टोरेंट जैसी कोई अलग सी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे हैं, ये बढ़िया इसकी सूखी सूखी ड्राई ग्रेवी बन के तैयार है, अच्छे से पक चुकी है। सारी फ्राइड चीज़ें इसमें डाल देते हैं और अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद हो तो आप पानी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिएगा इतनी ग्रेवी में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगने वाला है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गार्निश करने के लिए ऊपर से मैं थोड़ा सा इसमें मिक्स करने के बाद हरा धनिया ज़रूर ऐड करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर एक बार आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो ज़रूर अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, 2 की जगह 4 रोटी खाने पे शायद मजबूर हो जाएंगे, इतनी स्वादिष्ट है मेरा यकीन मानिएगा। मैं जब भी बनाता हूँ इस रेसिपी का दीवाना होता चला जाता हूँ। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा और बेहतर बेहतर वीडियोज़ बनाने के लिए। मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा।